धुएं से भूत भाग जाते हैं। अरे यार वाकई में बहुत पुराना रूम है, नीचे अच्छे अच्छे होटल थे यार। अरे तो अच्छा ही है ये तो, यहाँ पे तो ऐसी ऐसी तस्वीरें राजा महाराजा की। ये देखो नीचे करो थोड़ा सा, इसको देखो नाम वो वाली खिड़की देखो, ऊपर ऊपर वाली, वो देखो वो वाली खिड़की देखो ना, कुछ कुछ देख। चलो भाई देखते हैं आज का रात का क्या सीन। सुनो ना, अरे सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स कितने बज रहे हैं अब्दुस भाई? ओके, ऑलमोस्ट 12 बज गए और हम लोग अभी रेडी हो चुके, बस खाली बाइक पे सामान लोड करना है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स शिमला। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, उसके बाद गियर्स पहन के रेडी। सो देखते आगे का सफर कैसा रहता है। सी यू ऑन द GoPro। हाँ चलो अपने भी रिकॉर्डिंग चालू। और हाँ मैंने रैम माउंट भी नया वाला लगा दिया हूँ, वो चेंज कर दिया। जुनैद भाई ने रिकमेंड किया कि ये वाला बहुत अच्छा है, तो ये वाला जुनैद भाई ने बेंगलोर से कुरियर करवाया और ये लगा दिया अपन ने। चलो चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और मतलब आउटस्कर्ट ऑफ चंडीगढ़ से पास हो रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। और जब से मेरे को इतना मन हो रहा था कि कब मैं टाइगर को लेके जाऊं अपने पहाड़ों में जहाँ पे डिज़र्व करती है, और काफ़ी दिनों के बाद मैं पिछली बार आया था जब KTM थी मेरे पास ड्यूक 390, और उसके बाद टाइगर पर आया हूँ। हेल आउट ऑफ डिफरेंस, बहुत मज़ा आ रहा है, कम्फर्ट लेवल भी नेक्स्ट है, enjoying a lot. So अभी हम लोग पहुँचे इधर बॉर्डर पे हिमाचल के, और अभी हमें यहाँ पे हमारी नेगेटिव रिपोर्ट्स और ई पास दिखाने हैं। बट एक छोटा सा इशू हो गया है, निखिल की बाइक पंचर हो गई है। सो अभी पंचर ठीक करते, रिपोर्ट दिखाते और होपफुली सेफली आगे बढ़ते। योगित भैया फुल ऑन, मस्ती चालू है भाई, 3 घंटा मस्ती करना है फिर जाके सोएंगे। एक्चुअली अभी 9:30 बजे विंडो खुलेगा और उसके बाद हमें पास मिलेगा। पास था और ये अप्लाई कर दिए थे, बट सिर्फ नंबर आया था। आज क्या है पनौती हुई ना कि विशाल भाई ने इतना अच्छा बाइक चलाया, इतना अच्छा बाइक चलाया कि फटाफट आ गए। देखो तो उम्मीद था 3 घंटे बाद आएंगे, लेकिन राइडिंग देख के कमाल हो गया भाई। पीछे से कुछ भी कुछ भी कुछ भी एसी लगवा दिया इनकी गाड़ी में, छोटी बात है क्या। तो फाइनली एंट्री मिल गई, वैसे टाइम 9:30 बजे का था, बट एक बहुत अच्छी ऑफिसर आए और हमको सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बोले भी आप लोग जा सकते हो। उन्होंने देखा कि हम जेन्युइनली खड़े थे और हमारे पास सब चीज़ थी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। रोहित भाई फुल ऑन, मज़ा आ रही है, तुम लोग बहुत फास्ट चला रहे भाई, हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है इतने भाई, बच्चों पे थोड़ा दया करो। अरे क्या बात कर रहा है, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं है, ऐसा भगा रहे तुम लोग यार, बच्चे का जरा ध्यान रखो। चलो अब्दुल भाई कनेक्टेड हूँ मैं, सब कनेक्टेड है। चलो बिस्मिल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत वेदर है, और सीधा बढ़ रहे हम लोग शिमला की तरफ। बट अभी शायद शिमला में नहीं, प्लान में कुछ चेंज है, हम लोग चेल में रुक रहे हैं शिमला से पहले, चेल पैलेस में।
बुकिंग वगैरह अभी तक किए नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे क्या सीन है। और ये ऑफ रोडिंग छोटी मोटी चालू हो गई है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ, क्लियर है। टेम्परेचर पे टेम्परेचर गिरते जा रहा है और मज़े पे मज़े आते जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल 20.5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, मेरे को लगता है आगे और भी कम होगा। और ओके ओके, इतना भी कम नहीं हुआ है कि हमें अपनी हीटेड ग्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं। वैसे मेरे को ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है जब से फैट कम हुआ है। अभी ये हालत है तो रात में क्या हालत होती होगी इधर। ओहो, पैसा वसूल, पैसा वसूल बाबू भैया। जुनेद भाई आगे चले हैं, मैं थोड़ा सीन सीनरी देखते देखते आस्था से चल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। यही तो है यार, यही तो सब चीज़ है, इसीलिए तो आए हैं। धीरे धीरे चलाओ, मौसम के मज़े लो, रोड के मज़े लो और इन्जॉय करो यार। सही बोला ना अब्दुल भाई। हाँ हाँ, आराम आराम से ही चलो भाई, कोई गाय नहीं है, इन्जॉय करो भाई। कितने महीनों के बाद, मुझे लगा कितने सालों के बाद मैं आया हूँ ये रोड पे। और नज़ारा देखो यार, माशाल्लाह। सीधा खाली खड़े हो जाओ, जैसा ही रोड खराब आया खड़े हो जाओ, क्या कॉन्फिडेंस मिलता है बॉस। क्या पता ही नहीं चलता है कि खड्डे हैं क्या है। बहुत मेहनत करने के बाद लिए भाई, टाइगर ऐसी नहीं आती है। तो मैं ये बोल रहा था अब्दुल भाई को कि यहाँ पे अगर काश मेरा एक बंगला होता, फार्म हाउस जैसा, थोड़ी फार्मिंग भी करता था, थोड़े पेट्स भी पालता था, क्योंकि मेरे डैडी को है ना बहुत शौक है भाई ये सब चीज़ का। इंशाल्लाह ये सब चीज़ मैं पूरी करूँगा, मेरे डैडी के सब सपने पूरे करूँगा मैं। ये किधर को जा रहे हैं मियाँ अपन? लद्दाख तो नहीं निकल जाएंगे यहाँ से? जी जी भैया, एक मिनट भैया, आपकी भी जरा शूटिंग उतार ले। ओ हो हो हो, जल्दी से ले लो आगे वरना सामने से गाड़ी आ जाएगी। आ गए आ गए आ गए। नहीं मैंने ले लिया था पहले ही, अंदर ले लिया था बाइक का। ओहो हो, अंकल अपनों को देख के मास्क पहन लिया, ऐसा क्यों? अरे अंकल हम लोग कोविड नेगेटिव है, टेंशन मत लो, कल ही निकाले रिपोर्ट। वाह, तो चेल के लिए हम लोग ने लिया है राइट, और चेल है यहाँ से 29 किलोमीटर्स। और ट्विस्टिस पे ट्विस्टिस बढ़ते जा रहे हैं, रोड छोटे होते जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय द रोड।
यस। ओ वो गाड़ी देखो कैसी खड़ी है, कवर डाल के। हाँ मेरा भाई है। कितना छोटा रोड है यार, उसमें से बस भी जा रही है और सामने से गाड़ी भी आ रही है। अरे यही तो है एडवेंचर, यही तो करने आए थे अब्दुस मिया, है ना? यही चाहिए था तुम्हारे को, वादियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं, साथ में अच्छे दोस्त और जेब में पैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे रुकूं, जुनैद भाई को रुकाऊं, उनके पास से गर्म पानी लूं और ग्रीन टी बना के बस बैठ जाऊं यहाँ पे और खूबसूरत वादियों में फ्रेश एयर लूं और मज़े लूं। ओहो हो हो, क्या बात है, क्या बात है। आ रहा हूँ भाई, ये तो खूबसूरती बढ़ती जा रही है भाई। इधर ये हाल है तो और आगे क्या हाल होगा भाई। ओ रे अब्दुस भाई, अब्दुस भाई बाय। एंजॉय कर रहे यार, सारा स्ट्रेस दूर हो गया। अब्दुस भाई मेरे मन कर रहा यहाँ चढ़ा दूँ क्या, ऊपर चढ़ा दूँ। कौन सा वीडियो था? हाँ हाँ भगाने दो, मजे लेने तो जरा भाई। आप उन तो क्या बहुत कम निकलते, अक्का दिन खाली काम ही करते रहते, तो जरा घूमने दो भाई, मजे लेने दो। कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? लेकिन मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता है। चेल इज राइट, क्या खूबसूरत नजारा है यार भाई। कहाँ आ गए, इंडिया में ही ना अपन। हाँ एज ऑलवेज जुनैद भाई हमारे रुके थे, थैंक यू जुनैद भाई। और ये है हमारी होटल, अच्छा निखिल और शोभित भी आगे रुके, जुनैद भाई हमेशा रुक जाते यार, थैंक यू जुनैद भाई। क्या बोलते भाई, क्या जगह को लेके आए जुनैद भाई तुम। ओहो दी ऑफ रोड किंग, अपने को भी आता भाई थोड़ा थोड़ा। ओहो हो, अरे अब्दुस मियां टाइगर है, जरा खड़े हो जाओ। ओहो हो, वाओ यार व्हाट अ प्लेस यार, व्हाट अ प्लेस। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग सब चेल, वो है शोभित की पीएम, ये है निखिल और यहाँ पे हमारी सबकी टाइगर्स भागते हैं। जुनैद भाई एंजॉय द राइड, टू गुड यस। और यहाँ पे हमारा स्वागत कर रहे हैं ये मंकी। सो बात कुछ ऐसी अभी कि शोभित भाई ने हमारे लिए ये वाला रूम बुक किया है, विला। अरे भाई हजारों सालों मेरे को ऐसे एकदम स्पूकी लग रहा है ये। नहीं अभी थोड़ा सा ऐसे ऐसे पीछे टर्न कीजिए और ये वाला गली देख रहे हो ना, स्मोकी, अभी स्मोकी लग रहा है, अभी स्मोकी लग रहा है, अभी स्मोकी लग रहा है, कुछ दिनों स्मोकी कर देगा भाई। अभी वो छोड़ो दो, स्मोकी स्मोकी धुएं से भूत भाग जाते हैं यार। वाकई में बहुत पुराना रूम है, नीचे अच्छे अच्छे होटल थे यार। अरे तो अच्छा ये है, तो यहाँ पे तो ऐसी ऐसी तस्वीरें राजा महाराजा की। ये देखो नीचे करो थोड़ा सा, देखो नाम वो वाली खिड़की देखो, ऊपर ऊपर वाली, वो देखो वो वाली खिड़की देखो ना। चलो भाई देखते हैं आज का रात का क्या सीन। सुनो ना,